तो बाबा साकार हरि का हर चेहरा आप सामने आ रहा है, उसकी लेविश लाइफ, आलिशान आश्रम और आश्रम के स्पेशल इंतजाम। एक ऐसा ही खुलासा उसके अलवर आश्रम को लेकर हुआ है। आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि वहां किसी भी स्थानीय आदमी को घुसने तक नहीं दिया जाता था। बाबा के इस एकांतवास में सिर्फ लड़कियों और औरतों को ही जाने की परमिशन थी, ऐसा दावा है अलवर के लोगों का। स्वयंभू बाबा का अलबेला आश्रम, यानी उसके रहस्य लोक का एक नया चैप्टर, जिसके खुलते ही बाबा का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो आश्रम जहां सिर्फ लड़कियों को थी जाने की इजाजत। मैनपुरी से लगभग 303 किलोमीटर दूर राजस्थान का अलवर जिला, अलवर जिले सहजपुरा में भी बाबा का 1.5 बीघे के करीब जमीन पर बना एक आलिशान आश्रम है, जो हमेशा से स्थानीय लोगों के लिए मिस्ट्री बना रहा। लेकिन इस आश्रम के सबसे हैरान करने वाला सच का कनेक्शन लड़कियों से है। उनकी नासनी भी नहीं, यहाँ की नासनी, यहाँ भी दोबारा आए हम, दोबारा आश्रम में हम आए बिना और वहीं से एंट्री नहीं होती थी। अच्छा, किसी की भी, किसी की भी कोई एंट्री नहीं। श्रद्धालु के लिए, फिर श्रद्धालु आते थे, उनकी लेकिन एंट्री होती थी। अब उनका इनका सिस्टम का इनको पता, कौन आता है इसमें, कौन नहीं आता, क्या करते हैं। यानी इस आश्रम में किसी भी लोकल आदमी को एंट्री नहीं मिलती थी, बल्कि आश्रम में स्पेशल पास वाली महिला भक्तों को ही जाने की इजाजत थी। इस आश्रम में जब सत्संग होता था तभी आम श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाजत मिलती थी। सहजपुरा गांव के लोग बताते हैं कि बाबा के इस आश्रम में गांव के लोगों को आने जाने से रोक दिया जाता था। सिर्फ बाहर से ही आने वाली महिला श्रद्धालुओं और लड़कियों को आश्रम में आने की अनुमति थी। महिला सेवादारों के अंदर जाने के बाद आश्रम में क्या होता था ये कोई नहीं जानता। थोड़ा ये इनकी दिक्कत ये आती थी कि गांव वाले जैसे आ रहे हैं कि ब्याह शादी या फंक्शन है, तो रास्ते रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती, उसको इनसे कह सकते, उससे निपटा देते हैं। यानी बाबा के मायावी लोक में लड़कियों और महिलाओं को लेकर हमेशा से एक मिस्ट्री बनी रही। स्थानीय लोग ऑफ द कैमरा इन आश्रम को अय्याशी का अड्डा करार दे रहे हैं। बाबा की नीयत पर सवाल इसलिए भी उठाए जाते हैं क्योंकि उसके प्राइवेट महिला आर्मी भी जनरल गद्दाफी की तरह ही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटव के पूर्व सेवादार रहे रंजीत सिंह के दावे से कई सनसनीखेज सच उजागर हुए हैं। रंजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटव के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। सूरजपाल इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है, यानी टोटल फर्जीवाड़ा। स्वयंभू बाबा ने सारा साम्राज्य फरेब की बुनियाद पर तान रखा है, लेकिन पाखंड पर खड़े उसके इस साम्राज्य की नींव अब हिल चुकी है। पाखंडी बाबा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाखंडी बाबा मुर्दे में जान फूंकने का दावा करता है। वो कहता है कि प्रलय ला सकता है, वो कहता है कि वो भगवान है, वो कहता है कि उसके चरणों की धूल से हर मर्ज ठीक हो जाता है। लेकिन आज से 24 साल पहले जब उसने मुर्दे को जिंदा करने का दावा किया था, तब क्या हुआ था? आखिर क्यों 24 साल पहले स्वयंभू बाबा को जेल की हवा खानी पड़ी थी, पूरी कहानी आपको समझाते हैं। मुर्दे में जान फूंकने का दावा। मौत का तमाशा, बाबा की जय जयकार। पाखंडी पर पहली FIR की कहानी। 24 साल पुरानी बात है, जगह थी आगरा का केदारनगर। यहाँ के शमशान घाट में
सफेद चादर से लिपटी एक लड़की की लाश रखी थी। चादर पर लाल कपड़ा रखा था। आसपास लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। लड़की को कैंसर था और उसकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी। एक बाबा ने दावा किया कि वो लड़की को जिंदा कर देगा। सैकड़ों लोगों की भीड़ ये चमत्कार देखने आई थी। लड़की तो जिंदा नहीं हुई, उल्टा बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया। केस दर्ज हुआ और उसे जेल जाना पड़ा। ये खबर आई थी कि एक लड़की खत्म हो गई है, उसको लेके बैठे हैं ये और वो कह रहे हैं जिंदा हो जाएगी और मान नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में सब। अब जरा इस सबूत को देखिए, देखिए बाबा के पाखंड की कहानी बयां करता 24 साल पुराना पुलिस रिकॉर्ड। ये केस चमत्कार और अंधविश्वास फैलाने के लिए दर्ज किया गया, लेकिन कहानी कहां से शुरू हुई वो बताते हैं आपको। इसी आगरा शहर की बात है। हमारे यहाँ पर एक जगह है केदारनगर, और केदारनगर के पास ही एक शमशान घाट बना है और उस शमशान घाट के पास है मल का चबूतरा। 24 साल पहले इस चबूतरे पर 17 साल की लड़की की एक लाश रखी थी। सूरजपाल बाबा ने दावा किया था वो इस लड़की को जिंदा कर देगा। जैसे ही ये बात आसपास के लोगों को पता चली तो देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग इसी उम्मीद में शमशान घाट पहुंच गए कि सूरजपाल बाबा कोई चमत्कार दिखाएंगे, मरी हुई लड़की जिंदा हो जाएगी। सूरजपाल के सेवादारों ने कहा था कि सुबह 11 बजे लड़की जिंदा हो जाएगी। टाइम निकल गया लेकिन लड़की जिंदा नहीं हुई। ये होश आया उसको, कुछ भी हुआ उस बच्ची को, होश आया उसने चाय पिया या पानी पिया कुछ भी पिया, उसके बाद जो लड़की है फिर दोबारा क्या कहते मर गई वो। उसके बाद हालांकि बाबा ने ये भी कही थी इसका भाई 10 संस्कार कर दो, ये खत्म हो चुकी लड़की। इसको मल्क चोतरा लेके गए, वहाँ पे इनके भक्तों ने, इनके भाई गुरु वगैरह ने जो भी इनसे जुड़े हुए थे उन लोगों ने क्या कहते इतना उद्यम किया था मल्क चोतरा के अंदर हद से ज्यादा। उसके बाद यहाँ 4 थानों का फुर्स आया था, भोले बाबा खुद पुलिस लेके गई थी यहाँ से, और जो उनके चेले चपाटे उन पर लाठी चार्ज हुई थी वहाँ पे आके। भोले बाबा पे मुकदमा भी दर्ज हुआ था? हाँ उस टाइम पे हुआ था, भैया इनको लेके गए थे वहाँ पे उसके, लेकिन उसके बाद से कभी भोले बाबा यहाँ आए नहीं थे। शमशान पर चमत्कार न होता देख उस दिन भीड़ बेकाबू हो गई, लिहाजा शाहगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सूरजपाल बाबा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शमशान घाट में मौजूद महिलाएं पाखंडी बाबा की गिरफ्तारी से भड़क गई, लेकिन पुलिस ने अपना इरादा न बदला। जिंदा नहीं हुई थी? जिंदा नहीं हुई थी, उसको हॉस्पिटल भेजा था हमने, उसका पोस्टमार्टम कराया था, सब काम कराए थे। बाबा को भी जेल की राह दिखाई? हाँ बाबा को जेल भेजा था, उनके समर्थकों को भेजा था। अठारह मार्च 2004 को बाबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस FIR में बाबा सूरजपाल के अलावा कुंवरपाल, मेवाराम, प्रेमवती, कमलेश सिंह, मीना और सांवरे का नाम था। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दावा किया था कि इन आरोपियों ने चमत्कारी शक्ति से एक युवती को जिंदा करने का षड्यंत्र रचा था। इसी मामले को लेकर ये FIR दर्ज की गई थी। बाबा के साथ ही 6 लोग इसमें नामजद किए गए। कहते हैं कि सूरजपाल बाबा की कोई औलाद नहीं थी, उसने एक बच्ची को गोद लिया था लेकिन बच्ची को कैंसर था। इसी बच्ची की मौत के बाद भक्त लाश लेकर बैठ गए। दावा था कि बाबा लाश को जिंदा कर देगा। लाश तो जिंदा ना हुई पर बाबा पर पहली FIR जरूर हुई थी। तभी से यानी 24 साल से बाबा का पाखंड जारी है। इस बार तो 121 मौत के बाद भी वो चमत्कार दिखाने नहीं आया। पता नहीं भोली भाली जनता को इन पाखंडी बाबाओं का सच कब समझ आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अलग अलग राज्यों में करीब 25 आश्रम और अकूत संपत्ति संभालने वाले ट्रस्ट, जो लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है, जिसके काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त हुआ करती थी, वो बाबा जो दान नहीं लेने का दावा किया करता है, फिर भी करोड़ों का साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया। कैसे, कहां से आता है पैसा बाबा के पास, चलिए पूरी कहानी को एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बाबा के 100 करोड़ की साम्राज्य का सच क्या है? नहीं लेता था दान, ट्रस्ट ही सोने की खदान।
100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन। लग्जरी कारों का काफिला, आलिशान आश्रम और 80 सेवादार, ये शान और शौकत है भोले बाबा की। उस बाबा की जो दावा करता है कि एक पैसा भी दान नहीं लेता। सवाल यहीं से उठता है कि जब दान नहीं लेता तो करोड़ों का साम्राज्य कैसे? अरे परमात्मा की कितनी मेहर है, आप मुझे अगर संस्कार न हो तो आना नामुमकिन का संभव। आज हम आपको बाबा की सोने की खान में लेकर चलेंगे, पड़ताल करेंगे उस पहलू की जिसके लिए इस तरह के पाखंडी धर्म का सहारा लेकर अपना धंधा चलाते हैं। हम अपनी पड़ताल में बाबा के काले साम्राज्य के सच को समझाने की कोशिश करेंगे, दर्जनों आश्रम की कहानी बताएंगे, हर आश्रम के नाम पर बने ट्रस्ट की कहानी बताएंगे, बाबा के सोने की खदान में दान करने वाले दानवीरों की लिस्ट बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं, लेकिन काले को सफेद करने वाले राज से भी पर्दा उठाएंगे। हमने जब बाबा के काले साम्राज्य की पड़ताल शुरू की तो सबसे पहली कड़ी यानी इनकम का सोर्स उसके आश्रम ही नजर आए। यूपी सहित कई राज्यों में बाबा के कुल 25 आश्रम हैं। हर आश्रम का एक ट्रस्ट होता है, हर ट्रस्ट में अलग अलग दान आते हैं। ट्रस्ट में अधिकतर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं। न्यूज 18 के कैमरे पर कई गवाहों ने बाबा के डर से बोलने से इनकार किया, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने दावा जरूर किया कि सरकारी नौकरी पर बैठे ये लोग अपनी काली कमाई ट्रस्ट में खपाने का काम करते हैं। हम इस दावे की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सवाल जरूर उठाते हैं, आखिर 20,000 से 25,000 की नौकरी करने वाले लोग ये लाखों में दान कहां से लाते हैं? बाबा के खेल के दो पहलू, एक आश्रम और ट्रस्ट, दूसरा सत्संग। आश्रम में कोई भी दान कर सकता है, जबकि सत्संग में सिर्फ हम कमेटी के जरिए ही खर्च का पैसा जुटाया जाता था। यहीं से हम कमेटी का खेल शुरू हो जाता है। मान लो आपको कोई सत्संग कराना है तो इसके लिए बाबा सीधे संदेश हम कमेटी के पास भेजता था, फिर हम कमेटी सत्संग में होने वाले खर्च से लेकर इंतजाम तक का जिम्मा संभालती थी। अब जरा हम कमेटी के रोल को समझते हैं। एक हम कमेटी में 80 से 90 लोग होते हैं। हम कमेटी के पास दो काम होते हैं, पहला सत्संग के लिए फंड जुटाना, दूसरा सत्संग का प्रचार और इंतजाम। यह हम कमेटी सीधे बाबा के संपर्क में होती, लेकिन यहां से सवाल उठता है कि हम कमेटी के पास पैसा कहां से आता है? हम कमेटी में अधिकतर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। कमेटी के यही लोग सत्संग का पैसा लगाते हैं, पैसे समाज के कारोबारी और बड़े लोग देते हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा खेल होता है। हम कमेटी के जरिए जो पैसा सत्संग के नाम पर खर्च किया जाता है, क्या वो एक नंबर का होता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बाबा के भक्त आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी भी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लोग आते हैं जो कि बाबा के भक्त हैं। वहीं ऐसे भक्त दान लिस्ट में अपना नाम लिखवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाबा के पास ऐसे भक्तों के लिए एक गुप्त दान का ऑप्शन है। लोग ये भी बताते हैं कि यही गुप्त दान बाबा के लिए सोने की खदान है।